आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरी वन इन दिस क्वेश्चन हमें देखो क्या गिवन है इन द इफ द मिनिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट टू द इक्लिप्स इक्लिप्स की क्वेश्चन क्या गिवन है एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय फोर ए

पे, यहाँ पे हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं क्या है एक्सर बाई बीरोज इक्वल्स टू वन सॉरी पे लिखे है तो जब इस इक्वेशन में वाईक्वल्स टू जीरो पुट करूंगा जब इस इक्वेशन में वाईस जीरो पुट करूंगा तो मुझे एक्स की क्या आएगी प्लस माइनस बी मतलब इसका जो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस बी कोमा जीरो और कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो तो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा वाई की वैल्यू आएगी दैट इज प्लस माइनस टू ए तो ये वाला कॉर्डिनेट क्या हो गया मेरा ये वाला कॉर्डिनेट हो गया जीरो और ये वाला कॉर्डिनेट क्या हो गया मेरा जीरो कॉमा माइनस टू एके अब देखो यहाँ से

तो देखो अगर इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मला क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इक्लिप्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इक्लिप्स इसका फॉर्मला क्या होता है ये होता है x इनटू x डेश अपॉन यहाँ पे क्या वैल्यू b स्क्वायर तो हो जाएगा b स्क्वायर प्लस y इनटू y डेश बाय 4 a स्क

अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कैसे एक बी से एक बी कैंसिल आउट हो जाएगा और सिमिलरली यहाँ पे एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टू डिवाइड कर देगा इस फोर को इन टू टाइम्स तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी इक्वेशन आएगी दैट इज एक्स कॉस थीटा अपॉन बी प्लस वाई साइन थीटा अपॉन टू इज इक्वल्स टू वन अब देखो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है इस लाइन की तो इस लाइन की इक्वेशन से मैं ये दोनों पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकता हूँ ये पॉइंट और ये पॉइंट कैसे अगर मुझे ये वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा मैं इस इक्वेशन में मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा तो इस इक्वेशन में जब एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या जाएगी? की हो जाएगी वाई की वैल्यू हो जाएगी टू ए एंड अपॉन में आएगा साइन थीटा तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ दैट इज थीटा इसको मैं ले सकता हूँ तो वाई कॉर्डिनेट क्या आ गया इसका वाई कॉर्डिनेट आ गया दैट इज जीरो पे वैल्यू क्या आ जाएगी टू ए कॉसैक्ट ठीटा तो ये हो जाएगा

मेरे पास क्या है इसके मेरे को पास हाइट भी आ गई और इसके पास मेरे को इसकी लेंथ भी आ गई तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मुला लगा सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट तो यहां पे मैं लिख देता एरिया एरिया ऑफ ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल वो क्या होता है हाफ बेस इनटू हाइट ओके तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी वन बाई टू अब बेस कितना है बेस मेरा इक्वल है दैट इज बी थीटा के तो बी थीटा को मैं लिख सकता हूँ बी अपन कॉस्ट सिमिलरली एच

अब एरिया मुझे क्या चाहिए मिनिमम चाहिए तो एरिया किस केस में मिनिमम होगा जब डिनोमीटर वाली वैल्यू क्या होगी हाईएस्ट होगी जब डिनोमीटर बड़ा होगा साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है तो तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे पे एरिया ऑफ ट्रेंगल किसके टू ए बी और ये मिनिमम एरिया है तो यही मिनिमम एरिया हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है ये इक्वल टू हमें के ए बी का इक्वल गिवन है तो जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो के के वाली कितनी आ जाएगी तो के इज इक्वल टू टू तो के इज इक्वल टू टू इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन थैंक यू क्लास से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर